जो है किचन में बिल्कुल धूप आ रही है। एवरीवन गुड मॉर्निंग और वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का क्या है कि मेरा कोई ऐसा मूड ही नहीं है कि मैं ब्लॉगिंग करूं, लेकिन मैं सोच रही हूं चलो एक बार मतलब देखते हैं कि रैंडम कुछ भी स्टार्ट करने से क्या बनता है। तो अभी मैं किचन में जो है सब्जी बना रही हूं। तो आज लगानी मैंने मेहंदी जो मैंने रात में ही घोल दी थी लोहे की कढ़ाई में, और बैंगन कट गया है, प्याज कट गया है, सब्जी बनाने की तैयारी चल रही है, दूध भी आ गया है। अभी मम्मी की चल रही है पूजा, तो मम्मी की पूजा होने के बाद जो है मैं बनाऊंगी चाय, वो की मैं बाद में बनाऊंगी। तो अभी फिलहाल ऐसा हो रहा है कि मतलब रैंडम स्टार्ट कर रही हूँ, तो देखते हैं कि आज क्या क्या इसमें एक्साइटिंग पार्ट रहते हैं हमारे ब्लॉग में। और फिर बस शुरू करते हैं, नाश्ता बनाती हूँ मैं, आप लोग जुड़े रहिए ब्लॉग के साथ। उल्टा ही करना है, ये अपना बुढ़ापा सुधारना हुआ। आजकल बुआरियों के बाल बनते हैं। अपना अपना बुढ़ापा सुधारना हुआ। बुआरियों को चुट्टियां बनाना सिखा रही हूँ मैं, नहीं तो ये चुट्टियां नहीं बना रहे, खोल के दौड़ रहे हैं। पानी का एक टैंकर मंगा देते हैं ना, मंगा रहे होगा तो बुआरी के बाल धोने। घोड़े की पूछ सुधार रहे हैं आज, ऐसा मत बोलो। की हर बेइज्जती में इनका सहयोग रहा, हर बेइज्जती में। अब क्या फायदा छुपा के मुंह, ये देखो कब भी अपना ये सलाह है चाय पीने के लिए। दूध होता है उसमें, दूध चाय वो भी तो इसी में मिलता है, कोल्ड ड्रिंक, फैंटा। फैंटा तो सबको पता है कौन पीता है, किसी को नहीं पता है, सबको पता है भाई। रिलायंस वाली को भी लोग आपके वीडियो देख पाते हैं ना, रिलायंस वालों को भी पता चल गया। मैं कोई वीडियो में फैंटा नहीं पीती हूँ, चेड़ दिया रे। मेहंदी लगाने से पहले वो बलि का बकरा होता है ना, वैसे ही हाल हो रहे मेरे। सच मम्मी घोड़े की पूंछ ही लग रही है आपके हाथ में, तो घोड़े की पूंछ है सच्ची में। अब आप लोग मुझे सिल्की सुल्की पसंद कर रहे, फिर अब क्या करूँ मैं, कुछ नहीं। अब बना रही हूँ मैं, ये नीचे मुझे नहीं अच्छे लगते, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं बनेंगे, वो उपाय करेंगे। सब रिकॉर्डर है, दूर से माचिस दिखाऊंगा कहा ना तुमने, मैंने नहीं दिखाऊंगा, मैंने कोई भी दिखा देगा। क्यों दिखाएगा, कान की भी नोच दे रही यार मम्मी। सुना था बल मैंने, बल पहाड़ियों का बल वाला। इस बार की शादी में तो बुआरी चमकने वाली है, सास ने क्या बोलते है चमकाया नहीं अभी, अभी तो एक एक बाल में लगा ना मम्मी इस बार, एक 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 ना एक एक बाल में, एक कढ़ाई महंगा, इसी कढ़ाई से खाना भी हुआ, इस कढ़ाई चम्मच से खाना भी हुआ। पहले मेहंदी घोलना हुआ, फिर इनके लिए डुबके बनाने हुए, इसमें साफ भी नहीं करेंगे आज, ऐसे ही बना देंगे। अंदर ब्रश पड़ाते हो कब के लिए, ब्रश से लगता है घोड़े की पूंछ में। यार बेइज्जती जो करनी मैं खुद ही लगा लूंगी, रहने दो। ये बेइज्जती हुआ, ये बेइज्जती तो हुई है घोड़े की। मैंने 1 किलोमीटर दूर रखी है कढ़ाई, वो सब मन लगा रखा है इन्होंने, तो बच्चा है जी। और ये शुरुआत हो चुकी है, मेहंदी वाला फेस क्या दिखाना हो रहा है ना, आप ही आपको दिखा दो, आप सुंदर लग रहे हो। जिसको मेहंदी कराना हुआ आपके पास आए, मेरे पास आ जाए, क्यों आए मेरे बालों में आके, आपका हल्द्वानी में सबकी बुआरियों के सर पोत दोगे। आपको बुआरियां बना दूंगी, क्यों बनाओगे, छोटे वाले की बना देना सबको। अपने कन्हैया पता है बड़ा लड़का बाजू को प्यारा होता है, छोटी मम्मी को। बहू किसको होती है फिर, बहू किसको प्यारी होती है, आप बहू देखते हैं फिर कौन प्यारी होती है ज्यादा। पहले बड़ी होगी, बड़ी के पूरे अरमान होंगे ना, छोटी आएगी अगर उसके लिए कुछ करूंगी फिर तो नाराज हो जाएगी। मेरे टाइम में तो ऐसा करते थे मेरे, तू तो बिल्कुल सब चीज रिकॉर्ड है तेरे पास, तो ये दोबारा भी देखेगी कोई चीज। हाँ मैं भूल जाऊंगी तो यूट्यूब में देख लूंगी। हाँ, तो यूट्यूब में देख देगी, तेरे साथ तो और भी डर है। फिर कितना काम कर रहे हैं हम, खुद को भी सजाना ड्रा, फिर शादी शादी में मैंने डांस भी करना ड्रा। वो हो कितना भार है एक भाभी पे, एक तो इकलौती भाभी है तो वही तो, एक तो इकलौती भाभी हुई मैं। मेहनत मेरी घोड़े की पूछ में भेजती हूँ, फिर गाय की पूछ कहूँ, फिर कैसी भी पूछ कह दो यार, अब सच तो सच ही है, फिर ऐसी है बाल क्या करे। ये देखो मम्मी टपकाते रह रही है जोश जोश में नीचे,
बाल ही ज्यादा लंबे है ना, फिर बाल तो है ही खैर लंबे, घोड़ा भी अरबी वाला है। ये देखो लंबे घोड़ा। अब मैं बोलती नहीं हूँ। बुआरी का फैशन पूरा करने के बाद हमें बिल्ली बिराऊ डड़वा, ये डड़वा वाला मम्मी से नहीं कहा मैंने, तुमसे कहा। खुशी तो देखो मम्मी, भतीजे की शादी है। भतीजे भतीजे, अरे चल दिखा दिनों में तू जिठानी बेबी होनी। मेरे काले ही हैं बाल, अपने देख लो। काले तो हमारे भी है, लेकिन हम चाहते हैं अब रंग बदल दे बालों का। बस इस बारात में हमने इनके लिए लड़कियां ही ढूंढनी है, अब सब बारात देखेंगे हम लड़कियां। बारात में सब अंकल ग्रंथली गया होती है, फेरे लगा दे घर में। नहीं नहीं, ये काम तो आप ही कट रहा, हम तो खाली ऑप्शंस देंगे आपको, मम्मी ये देखो मम्मी वो देखो। अब हम क्या काम करेंगे मम्मी, धूप में बैठ रहेंगे? मेरी सास ने मुझे परमिशन दे दी, अब धूप में मेहंदी सुखावल, बाकी सब काम अपने आप हो जाएगा। बल कहाँ मिलेगी ऐसी सास, मिलेगी की वैकेंसी खाली है बस। अगर किसी को ऐसी सास चाहिए तो एक ही वैकेंसी खाली है, वो भी 93 से नीचे का बॉर्न होना चाहिए, और 93 तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी 2 93 घर पे हैं और मम्मी बहुत परेशान है। तीसरी आ जाएगी तो मम्मी ने भाई साहब तांडव कर देना है। 93 नहीं होनी चाहिए। तो अभी मेरे को बैठना है थोड़ी देर धूप में, तो मैंने सोचा चलो कुछ काम ही किया जाए, तो मैं बना रही हूँ अभी हैंड पेंटेड इयररिंग्स। अभी ये इनकम्प्लीट है, तो मैं सोचू कुछ कंप्लीट कर लूँ इनको, और इनकी कोई रिकॉर्डिंग वाली वीडियो या ट्यूटोरियल मैंने अभी तक नहीं शेयर किया है, और कंप्लीट होने के बाद ही मैं शेयर करूँगी। तो जब तक मेहंदी सूखती है तब तक मैं सोचूं कि ये काम निपटा लूं। तो जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 11:43, और ये मेरे इयररिंग्स तैयार हो गए हैं दो। और हो गए तो टपक रहा है पूरा मेहंदी। तो फाइनली हमने धो दिया है सर, अभी बज रहा है 1:30, और भाई इस बार तो मस्त कलर आया बालों में, लाल लाल हो गए हैं पूरे। आपका आया है? बस मम्मी भी बिल्कुल जुल्फें खोल के बैठी है पीछे। ओ हो मजा ही आ गया है। अब होगा हमारा खाने की तैयारी, क्योंकि अभी तक बनाया नहीं है, पापा आते हैं लेट, तो फिर उसके बाद करते हैं अपना काम। अभी मैंने एक नए और डिज़ाइन बनाया है, और दो ये हैं, कुछ नया ले मतलब बनाने की मैं सोच रही हूँ। इसका रिकॉर्डिंग मैं इसका जब फाइनल होगा इयररिंग्स का तब डालूँगी, इसका कोई भी ट्यूटोरियल अभी शेयर नहीं करूँगी मैं, वो मैं बाद में डालूँगी। इस बार हमारे येल्लो वाले गुच्छे वाले फूल भी खिलने लग गए। लास्ट ईयर ये वाला जो पेड़ था वो बोगन बेलिया ने पूरा ढक दिया था बेचारे को, सांस ही नहीं ले पाया था, फिर इस बार हमने इसको जगह दी थोड़ा, तो मस्त लग रहे। फाइनली मैंने चश्मा पहन लिया, बिना चश्मे के तो मैं अंधी ठहरी हुई, इतनी अंधी भी नहीं हूँ। तो अभी हो रही है झोली भात की तैयारी, अंदर जाके झोली भात बनाते हैं, फिर उसके बाद खाने का टाइम हो जाएगा, तो फिर पापा को लेके खाना खाना है। झोली भात परसों भी बना था, ये मत सोचना कि रोज़ रोज़ बनता है, लेकिन पसंद करते हैं तो हम बना लेते हैं। वैसे ही खाना बना के पहनने के लिए मेरी सास मत से कितना काम कराती है। तो झोली बन रही है और चावल तैयार हो गए हैं और सब्जी तैयार हो गई हमारी, तो उसके बाद करते हैं फिर खाने की तैयारी। वाह 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 वाह। अब मेरे निकलेंगे वेल मछली, 1 2 1 2 3
नीचे देखो, नीचे नीचे तो देखो, नीचे मेरे नीचे देखो। सर्दियाँ शुरू हो गया, आप ऐसे हाफ में घूम रहे हो, ज्यादा हॉट हो रहे हो आप। ये देखो मेरे को बुढ़ापा आ गया है, मैंने निकाल दिया, मतलब सर्दी हो गई है शुरू। ये व्हेल मछली, ये मां, और ये मैं। मैंने पूरा तेल वेल लगा लिया, मतलब मम्मी ने लगाया है मेहंदी लगाने के बाद। अभी सर धोना है कल, और मैंने अपना ये सांता क्लॉज वाला ड्रेस भी निकाल दिया क्योंकि सर्दी बढ़ चुकी है और अब हो रहा है ठंडा। और सबसे इम्पोर्टेंट, ठंडा स्टार्ट हो गया है, मेरे को इस बात से पता चल रहा है कि मैंने जो अपनी व्हेल मछली निकाल दी है। और बस अब सर्दियों के दिन शुरू हो गए, तो जिस जिसको लग रहा है कि सर्दी नहीं हुई है तो मैं बता दूँ, हो गई है सर्दी शुरू। तो फिर अब जो है आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।